इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे AI EEE प्रॉब्लम्स, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अगर आपको पूरी लेक्चर सीरीज देखनी है तब आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी लेक्चर सीरीज IIT JEE नीट एम्स के लिए चल रही है। आइए समझते हैं प्रॉब्लम। टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, एफ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम। थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी देन सी इन कॉन्टैक्ट। नाउ फोर्स बिटवीन बी एंड सी विल बी, इसमें ये कहा गया है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी एंड सी जिनकी रेडियस इक्वल है एंड चार्ज इक्वल है। रेडियस इक्वल होने का मीन्स ये है कि दोनों कंडक्टर बी एंड सी क्या है, आइडेंटिकल है। और जब भी कंडक्टर आइडेंटिकल होते हैं, बराबर होते हैं साइज में, तो उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, तो दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है। अब एक तीसरा थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर जो कि न्यूट्रल है, अनचार्ज है, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी, पहले बी से कॉन्टैक्ट करता है, उसके बाद में सी से कॉन्टैक्ट कराते हैं। अब बी और सी के बीच में फोर्स क्या होगा, आइए समझते हैं। ऐसा मान लेते हैं ये कंडक्टर बी है और ये कंडक्टर सी है, दोनों पर इक्वल चार्ज क्यू क्यू। अब देखेंगे यहाँ पर ये कहा गया है इक्वल चार्ज, यानी कि दोनों पर सेम चार्ज है, अमाउंट भी और नेचर भी, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। हमने डिस्टेंस खुद कंसिडर कर ली आर, तो फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स यहाँ पर होगा, ये आर स्क्वायर है। अब इस तरीके से देख सकते हैं। अब उसके बाद में कहा है कि तीसरा कंडक्टर स्फेरिकल इन दोनों से कॉन्टैक्ट करता है, पहले बी से और बाद में सी से। तो देखेंगे ऐसा मान लेते हैं ये बी है जिस पर चार्ज कितना है, और थर्ड को हमने ए मान लिया, ए पर चार्ज कितना है, जीरो है। तो हमको पता है जब कंडक्टर आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉडीज। चार्ज कितना है टोटल, क्यू प्लस जीरो, कितनी बॉडी है, दो, तो आ जाएगा क्यू बाई टू, यानी कि दोनों बॉडीज पे क्यू बाई टू चार्ज होगा। तो आफ्टर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट यानी कि टच करने के बाद में, सेपरेट करने पर, अलग अलग करने पर, बी पर कितना हो जाएगा क्यू बाई टू, ए पर भी कितना होगा क्यू बाई टू। ऐसा कब होता है, जब दोनों स्फेरिकल आइडेंटिकल होते हैं, तो इस तरीके से इतना चार्ज आ गया। उसके बाद में ए को जो थर्ड था उसको सी से कनेक्ट करना है, देखेंगे सी से, तो सी पर कितना चार्ज है स्टार्टिंग में क्यू, अब ए पर कितना है क्यू बाई टू, तो देखेंगे यहाँ पर ये सी क्यू, ए पर क्यू बाई टू, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में किया, फिर क्या होगा, दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, इसलिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉडीज, टोटल चार्ज कितना है क्यू प्लस क्यू बाई टू, बॉडीज कितनी है टू, तभी आ जाएगा थ्री क्यू बाई फोर, यानी कि दोनों पर थ्री क्यू बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर, फोर क्या होगा चार्ज होगा, तो सी पर और ए पर। अब पूछा गया है बी और सी के बीच में फोर्स, तो सी पर फाइनली चार्ज कितना है थ्री क्यू अपॉन फोर, और अगर बात करते हैं बी पर कितना है क्यू बाई टू, तो देखेंगे दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू बाई टू थ्री क्यू बाई फोर। तो फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल्स टू के क्यू बाई टू थ्री क्यू बाई फोर अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही इसको सोल्व आउट करते हैं तो यह आता है थ्री अपॉन एट के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू तो ओल्ड फोर्स की थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तब यह आ जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू थ्री बाई एट एफ, यानी कि इतना अब नया फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में, बी और सी के बीच में इतना होगा, जो कि कम है जब तीसरा यहाँ पर बॉडी आ गई, कितना आ गया 3/8। थैंक यू।